नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में आवारा पशुओं का आतंक जारी है, जिसकी वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है। और वही अधिकारी मस्त है तो किसान पस्त हो गए हैं। आपको बता दें, नेशनल हाईवे को गौशाला बना रखा है, जिसकी वजह से आए दिन एक्सीडेंट होते रहता है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद योगी सरकार का हंटर अवैध भूचड़ खाने पर चला। इसके बाद उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं का बाढ़ सा आ गया। आवारा पशुओं का आतंक सड़क से लेकर किसानों की फसल को बर्बाद करने में जुटे हैं। किसान रात भर अपने खेतों में इन जानवरों से अपनी फसल को बचाने को लेकर जागते रहे। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कई बार फजीहत झेलना पड़ा। 2018 में पहली बजट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आवारा पशुओं को लेकर भारी भड़कम धनराशि जारी की। ग्रामीण इलाके में गाय के रख रखाव को लेकर 250 करोड़ रुपए के करीब, शहरी क्षेत्रों में आवारा पशुओं के लिए गौशाला के लिए 200 करोड़ रुपए, मवेशियों की देखभाल के लिए 165 करोड़ रुपए दिया गया। कुल 615 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद जमीनी हकीकत आवारा पशुओं को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार फेल होते हुए दिखाई दे रही है। 615 करोड़ रुपए का बंदरबांट अधिकारी और नेता कर गए, और गौ माता के नाम लेकर सत्ता में आई सरकार आज गौ माता को नेशनल हाईवे पर मरने और किसानों को फसल को बर्बाद करने के लिए छोड़ दिया गया। बलरामपुर आवारा पशुओं के आतंक से किसान और राहगीर परेशान हो गए हैं। आवारा पशु के कारण लगभग 300 से ज्यादा लोगों की दुर्घटना हो चुकी है, और किसानों की फसल इस तरीके से बर्बाद हुआ है कि किसान अपना दुख रोए तो किससे रोए। बलरामपुर आवारा पशुओं के छुटकारा के लिए 8.5 करोड़ रुपए लगभग आया हुआ है, लेकिन कहां खर्च हुआ अधिकारी नेता जाने। जिले में 43 पशु आश्रय केंद्र बनाया गया है, लेकिन सब भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुका है। हकीकत जानने के लिए पशु आश्रय केंद्र पंडित देवरिया मुबारकपुर पशु आर्य पर जब मीडिया पहुंची तो चौंकाने वाली तस्वीरें देखने को मिली। पानी में हाथी के दांत के तरीके से बना दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट HBN न्यूज। हम उतौला सड़क पे खड़े हैं, जहां गाय की जानवर की भरमार लगी। आप हमारे पीछे देख, और हमारे साथ में किसान मौजूद है। आज उनसे जानकारी लेते हैं कि क्या उनकी समस्या। आइए भैया, आप क्या नाम है आपका? मिथलेश। क्यों, तो क्या समस्या आपकी? समस्या ये है, हम लोगों का फसल खा जा रहे हैं जानवर, और यहाँ रोड पे बैठते हैं। आने जाने वालों को भी प्रॉब्लम होती है, एक्सीडेंट होता है आए दिन, इनका भी एक्सीडेंट होता है, इनको भी चोट आती है, यात्रियों को भी चोट आती है, और ये ऐसे ही बैठे रहते हैं यहाँ पे। समस्या ये है कि ये जो गाय छूटी हुई हैं यहाँ पे रोड पे आके बैठती हैं, फसल भी नष्ट हो रहा है और आए दिन एक्सीडेंट भी हो रहा है। यहाँ हम लोगों को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। रात रात भर जाग के हम लोग अपना फसल देखभाल करते हैं, उसके बावजूद भी खा जाती हैं, और लोगों को आने जाने वालों को भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से कितनी गाय आगे बैठी हैं? आगे अभी आपको ऐसे ही 100-100 गाय, 50-50 गाय आपको मिलेंगी। हाँ, तो जितने भी गौशाला बने हैं क्या है वो दिखाने के लिए सिर्फ है? अब ऐसा ही लग रहा है, जब गाय छूटी हुई है तो दिखाने के लिए है ही। ये दिखाई दे रहा है, यहीं पे सब है, गौशाला में तो कोई दिख नहीं रहा है, सब गाय छूटी हुई है, गौशाला सिर्फ दिखाने के लिए है ना। अचानक आ जाती है, आगे ब्रेक नहीं लगता, एक्सीडेंट हो जाता है, परेशानी रहता है इसलिए। इधर हमारे पास जो छोटा पशुओं का जनगणना हुआ था, इट्स अबाउट 10,000। हम लोगों ने कई सारे गौशालाएँ बनाए, जो ग्रामीण क्षेत्र में हम लोगों ने अराउंड 43 गौशालाएँ थ्रू मनरेगा कन्वर्जेंस बनवाए, एंड उसमें जितना हम लोग भर सकते थे उतना भरा। और कई सारी गौशालाएँ ड्यू टू रेनी सीजन थोड़ा सा वाटर लॉक एरिया में आ गई, जिसमें गाय पानी वाले स्थान पर रुकती नहीं। एट द सेम टाइम जो सड़कों पे गाय दिख रही है उसको चलाने पकड़ने के लिए हम लोगों ने अभियान चलाया हुआ है। हर हफ्ते जो है फ्राइडे सैटरडे हम लोग CVO को पर्टिकुलरली इंस्ट्रक्ट करते हैं कि अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज दोनों में चलाकर जो एग्जिस्टिंग गौ संरक्षण केंद्र हैं उनमें फिल करें। जो कैपेसिटी हम लोग की 30-40 पर गौ संरक्षण केंद्र, जिले की कैपेसिटी अराउंड 2,500 है, जिसे हम लोग इंक्रीज करके 10,000+ कर देंगे बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। एंड ये गायें जो है, इसमें कई सारे प्राइवेट गायें भी हैं, क्योंकि जल भराव काफ़ी एरिया में हो चुका है, जिसमें करीब हमारे 200 से 300 ग्राम पंचायतें जल प्रभाव से प्रभावित हैं, और उन लोग गायें भी जो है सड़क पे जो है छोड़ दी जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे रहना रखना उनको पॉसिबल नहीं। नंदलेस हम लोग इस मैनेज को डील करने का पूरा प्रयास करते हैं, एंड विद इन अ वीक और टू हम लोग को सकारात्मक रिजल्ट्स दिखे। गौशाला बना है लेकिन वहाँ पास एक नहीं है। अच्छा। खेते पात सब खा रहे हैं।
तो नुकसान ज्यादा आप लोगों ने करा? नुकसान तो होते है भैया। तो योगी जी कहीं नहीं कि गौशाला बनाए, सारे पशु को उसी में रखा जाए, तो क्या ऐसा कहीं आप देख रहे हैं कि गौशाला में कहीं पशु? यको पशु नहीं है कौनो गौशाला में। कब से बना हुआ है? अरे ढेर रोज होगा भैया, साल डेढ़ साल हो जाते हुई साइड, यको पशु नहीं देखा। यको पशु महा नहीं। उत्तर प्रदेश की सरकार आई हुई है, सारे बूचड़ खाने बंद कर दिए गए हैं, उसके कार्य करने के लिए कई गौशाले खोले गए हैं, जिसमें भूसा चारा सारी व्यवस्था जो कि करोड़ों रुपए का दिया जाता है अधिकारियों के द्वारा उस गौशाला को चलाने के लिए, मगर वह गौशाला मात्र दिखावे के लिए है। सारी गायें अक्सर सड़कों पर देखी जा सकती है और किसानों के फसल को वो सबसे ज़्यादा नुकसान कर रही है, जो कि आने वाले दिनों में अच्छा नहीं है। और जो चारा भूसा सरकार दे रही है, करोड़ों रुपए दे रही है, वह अधिकारी और कुछ तथाकथित नेता मिलकर के इसको खा जा रहे हैं।